कोरोनाचा फटका गणरायाच्या मूर्त्या तयार करणाऱ्या मूर्ती कारागिरांना देखील बसला आहे। कोरोनामुळे यंदा केवळ 10% मूर्त्यांची विक्री झाल्याने मूर्ती कारागिरांचे तब्बल 10 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे। कोरोनामुळे शासनाने सुरुवातीला मूर्त्यांच्या उंचीवर निर्बंध टाकले, त्यानंतर जिल्हा प्रशासनाकडून देखील गणेशोत्सव साजरा न करण्याचे आवाहन करण्यात आले। परिणामी घरोघरी तसेच सार्वजनिक मंडळात केवळ 10% गणरायाची प्रतिष्ठापना झाली आहे। 10% मूर्त्यांची विक्री झाल्याने जवळपास 10 कोटीचे नुकसान झाल्याचे मूर्ती कारागीर सांगत आहेत। शहरासह जिल्ह्यात जवळपास 400 मूर्ती बनवण्याचे कारखाने आहेत। मूर्ती कारागिरांनी करोडो रुपयांची गुंतवणूक केली होती। अपेक्षेप्रमाणे मूर्त्यांची विक्री होईल अशी अपेक्षा देखील मूर्ती कारागिरांना होती, पण मूर्त्यांची विक्री न झाल्याने मूर्ती कारागिरासमोर विविध अडचणी निर्माण झाल्या आहेत। शासनाने याचा विचार करून आर्थिक मदत करावी अशी मागणी मूर्ती कारागिरांनी केली आहे। नांदेड जिले में 450 कारखाने हैं। 450 कारखाने में से नांदेड़ शहर में 100 कारखाने हैं। तो हर जगह पर एक 100% माल बनता था, तो उसमें से एक हमारा 40-50% मूर्ति हमने पेंटिंग करे, तो उसमें से हमारा एक 10% माल सेल हुआ। तो बाकी कितने बचे और कितना नुकसान हुआ? अभी देखो 90% का हमारा नुकसान हो गया और हमारे बच्चों का भी पेमेंट नहीं निकला इसमें से। हमने बच्चों को ही 2.5-3 लाख रुपए पेमेंट हमने सीज़न शुरू होने से पहले ही दे दिए। और अब ये कोरोना की वजह से, ये जो बीमारी आई महामारी, इस वजह से हमारा इतना नुकसान हो गया, बहुत बहुत नुकसान हो गया। अब क्या मांगनी? अब मांगनी तो प्रशासन ने हमारे को तो मार ही दिया, ऐसा भी हमारे त्यौहार को ही पूरा ख़त्म कर दिया। हमारा ये त्यौहार जो जोरों शोरों में होता था उसको तो सब ख़त्म ही कर दिया प्रशासन ने। अब जो अभी माता का जो होने वाला है, अभी प्रशासन से ये मांगनी है, हमारा गणपति का तो ख़त्म हो गया, अभी माता के लिए तो भी हमको थोड़ा सा करने के लिए उत्साह, जो उत्सव रहता हमारा वो तो भी करने के लिए प्रशासन ने हमको मदद करना है। तकरीबन कितना नुकसान हुआ? तकरीबन सर आप अगर बड़े बड़े कारखाने सिर्फ नांदेड़ के पकड़े तो 5 कोटी का नुकसान है। तो उसका खर्चा पेमेंट हो कैसे? अब वो पेमेंट अभी तक हमने लेबर को पेमेंट हमारा 4.5-5 लाख है। एक एक कारखाने से ऐसा पेमेंट हो चुका है। अभी एक एक कारखाने में 20-15 आदमी काम करते हैं। प्रशासन से तो ये मांगनी है, हमारा इतना माल जो बचा है और गोडाउन के किराए वगैरह ये बहुत नुकसान हो चुका है। ये 5 से 6 कोटी के ऊपर का है सिर्फ नांदेड़ सिटी का, और नांदेड़ शहर का पकड़े तो 9 से 10 कोटी होता है सर। ये प्रशासन से यही मांगनी है हमारी कि कुछ तो हमारे लिए करे। अभी कोरोना की वजह से जो नुकसान हो गया हमारा, कम से कम 40% माल बना था नांदेड़ जिले में, 40% में से भी 10% ही बचा, 10% बिका और बाकी माल साहब जैसा ही है वैसा ही है। कम जो हम पेंटिंग को खर्चा लगाए थे वो पेंटिंग का खर्चा भी नहीं निकल पाया। और प्रशासन ने जो शक्ति की लास्ट में मंडल के जो उन्होंने जो टेंट वगैरह कांडे लगाए, मूर्तियाँ रिप्लेस साहब हमारे पास वापस आ गए। 4 फीट की मूर्ति भी साहब बेच नहीं सके क्योंकि इन्होंने परमिशन दिए नहीं 4 फीट को भी। कई मंडल वालों को तो ऐसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करा प्रशासन ने कि आप मूर्ति बिठाओ मत। उनका एक बार सोचना था कि कारागिर का क्या होगा, उन्होंने हमारे बारे में ज़रा भी नहीं सोचे प्रशासन ने। आज हमारे बीवी बच्चे भूखे मरेंगे तो प्रशासन आके वो चलाने वाला नहीं है। और हमारी प्रशासन से मांगनी है कि आगे दुर्गा देवी का त्यौहार है, उसमें भी फिट वगैरह अगर से ये लाते हो गए तो मरने के सिवा कोई उपाय नहीं हमारे पास साहब।